ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उसने लैब से फोन किया? ए हीरो, सुबह हम जब आए थे तो पर्दे से झांक रहा था, क्यों? सर, जतिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि उसके घर पे चल क्या रहा है। और तूने लैब से इसको फोन किया था, इस अनिरुद्ध को, क्या इमरजेंसी थी? सर, वो संग्राम। हाँ सर। ये ऐसे नहीं सुनेंगे, ये अनिरुद्ध और वो अशफाक और चेतन तीनों का DNA करवा ले, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल चल पापा। अरे सर, पहले जतिन, अब मेरा बेटा, अब खामखा बच्चों को परेशान कर रहे। संग्राम, इसको भी ले, ये तीनों रेप केस में सस्पेक्ट है, समझे क्या? चल। सर, किसी का भी DNA सैंपल मैच नहीं हो रहा। और सर, वो जतिन के कार के टायर मैच भी मैच नहीं हो रहे। अरे जतिन, अनिरुद्ध, चेतन और अशफाक, चारों में से कोई नहीं है, ये पांचवा आदमी है कौन? जो कोई भी है उसका कनेक्शन जरूर इस वर्षा के केस से। और अशफाक की सेल लोकेशन भी सेम एरिया में थी सर। लेकिन सर, उठाएंगे भी तो किस बेसिस पे उठाएंगे? किसी का भी DNA सैंपल मैच भी नहीं हो रहा है। किसने कहा DNA सैंपल मैच नहीं हो रहा है? हाँ, रिपोर्ट हमने तो नहीं कहा। क्या खान हो रहा है ना? 100%। कितने लोगों का? सबका। फिर चल। मैडम, मैंने क्या? मैडम, मैडम। सर, मैंने क्या किया? सर सर सर, क्यों मार रहे हो सर? चल। गणेश भाव। चल पापा। साहब, जा रहे मेरे बेटे को? आपके लड़के का DNA मैच हुआ है वर्षा की रिपोर्ट से। अरे साहब, सर सर, हमने कुछ नहीं किया सर। फिर जो किया हो बताओ। इधर ये देख, बराबर के चेक कर। तुम्हारा DNA मैच हो गया सबके, समझे? कन्फेशन करने का सही वक्त है। सच बताओ क्या हुआ, नहीं तो कोर्ट सजा देगा ही तुम लोगों को। बता सर। मैं नहीं करना चाहता था सर, इन्होंने फंसाया मुझे। कैसे फंसाया? कैसे फंसा? अशफाक नहीं चाहता था कि वर्षा कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे, इसलिए उसने मुझे बहाने से वर्षा को अनिरुद्ध के घर ले जाने को कहा, ताकि वो कोर्ट तक पहुंचे ना। लेकिन इन तीनों की प्लानिंग अलग ही थी सर। चलो, तुम लोगों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोगों ने रेप किया है, अब बताओ मर्डर क्यों और कैसे किया? सर, हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर, हम तो वर्षा को गांव के बाहर छोड़ आए थे। रेप करके छोड़ दिया, उसकी मौत कैसे हुई? सर, सच में सर, हमने मर्डर नहीं किया, हमने उसे जाने दिया था। क्यों जाने दिया था? पांचवे आदमी के लिए। सर, कौन पांचवा आदमी? वही जिसका स्पर्म मिला है वर्षा के बॉडी से। सर, पांचवा आदमी कोई नहीं था सर। सर, हम तो चार सर, हम चार ही थे सर। तो मरी कैसे और क्यों जाने दिया उसको? क्योंकि अम्मी लेकर गई थी वर्षा को। कोर्ट की तारीख निकलने तक इसे बांध कर रखने के लिए कहा था मैंने, ताकि तुझे जेल ना जाना पड़े, पर तूने तो नया कांड कर डाला। आंटी आंटी, जो होना था वो हो चुका है, अब ये बताओ कि इसका करना क्या है? मेरे पिताजी आज शाम तक घर पे वापस आ जाएंगे। सब हम वर्षा को छोड़ नहीं सकते थे, वो बाहर आते ही पुलिस के पास आ जाती, इसलिए हमें पुलिस के पास आ गए। उसके बाद वर्षा के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता सा। चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, चल बता अभी। चल, तेरा DNA भी मैच हुआ है वर्षा के बॉडी पे जो सीमेंट था उसके साथ, और रेशमा ने सब कुछ सच सच बता दिया है। सर, मैंने वर्षा का मेडिकल डिले करने के लिए उसे वहां रखा था, तो उसे खाना पीना देने भी वहां जाना पड़ता था, और इसी आने जाने में नशे में मुझसे गलती हो गई सर। शर्म नहीं आती हाँ? एक नाबालिग लड़की के साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने वर्षा को 2-3 दिन तक बाहर रखा और उसे साफ किया, ताकि मेरा DNA सैंपल ना मिले। सर, 6 suspect है, हर एक कोई ना कोई तो जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन कोई ये कबूल नहीं कर रहा है कि उसने मर्डर किया। सर, रत्नागिरी का एक कनेक्शन मिला है। किसका?
सर ये जो तीनों दोस्त थे उसमें से एक का गांव रत्नागिरी है और जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो थाने में नहीं था, वो रत्नागिरी गया था रेंटल कार से। कौन है? क्राइम स्पॉट पे हमें एक बैग मिली रत्नागिरी के स्वीट शॉप की, फिर उस शॉप के सीसीटीवी में तुम अखे दिख रहे हो। हर्षद आखो तुम्हें हो ना? फिर आपका सीडीआर चेक किया तो उसमें ऐसा पता चला कि वर्षा के मर्डर के दिन तुम रेशमा के घर गए थे, प्रकाश के घर पे भी गए थे। इतना ही नहीं, क्राइम स्पॉट पे जो टायर मार्क्स मिले वो उस रेंटल कार के है जिस कार से तुम रत्नागिरी गए थे। बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो तुम मार खा के बताओगे या शांति से बताओगे? जब मैं रत्नागिरी से वापस आया तब मेरा बेटा अनिरुद्ध बहुत ही डरा हुआ था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया सर। तो मैं भागकर रेशमा जी के पास चला गया और उनसे कहा कि जब तक वो वर्षा जिंदा है तब तक ना ही तो अशफाक सेफ है और ना ही अनिरुद्ध। सब मुझे पता था कि वर्षा कहाँ है, हम वर्षा के पास जा ही रहे थे कि वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो मेरा पहचान वाला था, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो गाड़ी मुझे दे दे बिना ड्राइवर की। हम जा ही रहे थे तो रास्ते में वर्षा दिखाई दी। रुको 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 वर्षा रुको रुको, दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। चल सर, सात लोगों में से किसी एक ने भी उस लड़की को इंसानियत नहीं दिखाई, बस अपनी हैवानियत और अपना डर दिखाया और आखिर में उसे खत्म ही कर दिया। अंधा प्यार खतरनाक ही होता है, फिर वो माँ बाप का भी क्यों ना हो। अक्सर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देनी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन उनकी गलती छुपानी नहीं चाहिए। सर आप पहले से कॉन्फिडेंट थे ना कि ये बड़ी का केस नहीं है? कैसे? संग्राम तुम सिर्फ एक केस की तरफ देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। क्रिमिनल अक्सर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता ही है। खान सर का फोन। जैन सर, सर जी सर, जैन सर। सर वापस तो नहीं? नया केस। तुमने अपनी बीवी को मारा? नहीं। क्या तुम्हें अपनी बीवी से प्यार था? जवाब दो। हाँ। तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। कोर्ट कुणाल टंडन को आरोपी नहीं मानती और उनको बाइज्जत यहां से रिहा करती है। सर जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और चारों को उम्र कैद हो गई है तो ये जीत हमें मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? मदद करिए। तुम्हें अपनी सजा कम करवानी है? नहीं नहीं, हमें मदद चाहिए। वो लड़की गाड़ी हर रोज यहाँ पे आती है, बैठती है, रोती है, वो हमें जितना नहीं रहने देगी। वो पता मुझसे क्या कहती है? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के लिए? तुम्हारे पास उसके सवाल का जवाब है? होता है ना, जवाब होता है क्या? हाँ, सब कुछ फिर से इन्वेस्टिगेट करो, नए सिरे से। चलो गार्गी की हत्या का सनसनीखेज मामला पुलिस ने फिर से खोला। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नए सबूत मिले हैं जो कि इस मामले को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ हेलो, खबर सुनी?
क्या करना है? हमें यहाँ काहे लाए सर? हम तो सब कुछ आपको पहले ही बता चुके। क्योंकि तुमसे कुछ और भी पूछना था। तुम इस ड्राइवर शानू के साथ क्या कर रहे थे? बहुत टायरिंग जर्नी थी। सब कुछ हो गया अच्छे से? Awesome. अब हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सेलिब्रेशन में अभी टाइम है। I love you, विराज। और हम तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। I'm sorry. मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से क्या लेना देना है? हमें बहुत अच्छा लगा आपकी और विराज की पार्टनरशिप देखकर। बिजनेस पार्टनरशिप। आप बता सकते हैं कि प्यारे लाल शानू की बीवी के पोस्ट बॉक्स में पैसे क्यों डाला करता था? मुझे क्या पता क्यों। आपके अकाउंट से कुछ महीने पहले 5 लाख रुपए निकाले गए थे, ये बता सकते हैं किस लिए? अपने पर्सनल खर्च के लिए। और किस लिए सर? इत्तेफाक की बात है ना, प्यारे लाल ने भी पीओ बॉक्स में 5 लाख तक की ही रकम डाली थी। मुझे किस बात के लिए इंटेरोगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप अपनी बीवी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं। What? Yes. और वो पीओ बॉक्स जो कल तक बंद नहीं किया गया था वो विराज के नाम पर, और हर महीने की 1 तारीख को शानू की बीवी उसमें से पैसे निकाला करती थी, और प्यारे लाल 1 तारीख को ही उसमें पैसे डाला करता था। केस रीओपन करने के बाद हमारे सामने कई नए सबूत आए। मैंने बस प्यारे लाल को शानू को एडवांस देने के लिए कहा था। शानू तो किसी कैब कंपनी के लिए काम करता था ना, और गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं थी, तो फिर उसे पैसे देने का क्या मतलब? ये क्राइम का पहला इंस्टॉलमेंट था, राइट? मुझे जल्दी कुछ करना था क्योंकि क्योंकि गार्गी को शक होने लगा था। ये क्या क्या धूल लगा के रखी है? इतने बड़े होटल में काम करते हो, बॉस निकाल देगा। ख्याल रखना, ओके? हाँ सर। हाँ। वो वैसे ही अपने डैड के फोन से परेशान थी। अगर उसे पता चलता कि उसका हस्बैंड, तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उसे इस बारे में नहीं पता? क्या मतलब है आपका? पहले जीप की बात करते हैं। जब उसे पता चला कि तुम उसका पीओ बॉक्स बंद करने वाले हो, तो वो घबरा गया, और सजा कम होने की बात सुनकर उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने हमें बताया कि गार्गी को मारने का ऑर्डर तुमने उसे दिया था, उसके बदले में तुम उसका 10 लाख का कर्जा चुकाने वाले थे और उसे हर महीने रकम देने वाले थे। न्यूज को सुनते ही तुम उतावले हो गए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि हमें क्या क्या सबूत मिले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से तुम हमारे शक के घेरे में आ गए, और फिर तुमने प्यारे लाल के जरिए शानू को जेल में मैसेज भिजवाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि केस को रीओपन करने की न्यूज हमने ही मीडिया में लीक की थी। हम जानते थे कि इस न्यूज को सुनने के बाद तुम अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई ऊटपटांग कदम जरूर उठाओगे, जो कि तुमने लखनऊ आकर पीओ बॉक्स को बंद करवा के उठाया, और प्यारे लाल को शानू के पास मिलने के लिए भेज कर उठाया। गार्गी को पता था? गार्गी को पता था उसे कौन मरवाना चाहता? मैं जानती हूँ कि मेरे पति का काम है। मैंने उस दिन अपने पति को एक लड़के के साथ देखा, और वो दोनों इसे... तुम में से गार्गी को किसने मारा? इसने हमने आजाद कर मार दिया है हमें। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी। इससे ये तो साबित नहीं होता कि गार्गी के कत्ल के पीछे उसके पति का हाथ था। ड्राइवर से बात करते हैं। हमने इनको बता दिया है कि उस लड़की को हमने मारा है। अगर तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो शायद उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा, और वो तुम्हें भी छोड़ देगी। उसके पति ने उसे मरवाया है ना? जिस पीओ बॉक्स से तेरी बीवी पैसे निकालती है उसको कुणाल बंद कर चुका है,
अगर कुणाल जेल गया तो तू सड़क पे आ जाएगा, तो तेरे पास एक ही चारा है कि सरकारी गवाह बन जा। अब बता, गार्गी को कुणाल ने मारा है? तो क्या जवाब दिया उसने? मैडम, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपने मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, उससे एक ऑनेस्ट आंसर की उम्मीद रखती हैं आप? जीत, जिसने गार्गी टंडन की हत्या को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है, लेकिन उसे मौत की सजा क्यों दी गई? बाकी दो कैदियों की तरह उम्र कैद क्यों नहीं दी गई? या फिर उसके शानू ड्राइवर, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उसकी तरह उसकी सजा कम क्यों नहीं की गई? ये कहना चाहती है ना आप? देखिए मैडम, आईपीसी सेक्शन 302 के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने वाले की भी वही सजा होती है। सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। थैंक यू वेरी मच। सर, जब गार्गी ने कुणाल को वेटर के साथ देख लिया था, तभी उसको कन्फ्रंट कर लेती तो आज वो जिंदा होती। गार्गी क्यों? अगर कुणाल ने भी सोसाइटी की जगह अपने बारे में सोचा होता तो ये सब नहीं हुआ। और आपको इस आदमी की इज्जत की पड़ी हुई है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? अगर रेप हुआ है तो बताइए ना, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ आपका रेप? कपड़े उतारे गए या नहीं? ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो ना? तुम क्या कह रही हो? मैम, मैम, मुझे वो एड्रेस मिल गया है जो आपने निकालने के लिए कहा था। गुड, उसे पूछताछ करो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली हियरिंग में केस खत्म। हमें कुछ तो कॉन्क्रीट मिलना ही चाहिए। बता, रात को भूमि का रेप किसने किया था? मैडम, हमारी सुहागरात थी तो कमरे में मैं ही गया था। ताकि तेरी जानवरों जैसी हरकतों का भूमि को पता ना चले। लेकिन वो तो तू उसके बाद भी कर रहा था। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे इंजीनियर बनना है। ज्यादा पढ़ लिख जाओगी ना तो ब्याह नहीं होगा थारा। एक छोरे का रिश्ता आया है चौखा से, और दहेज भी नहीं मांग रहे वो लोग। हाँ बाजी, योर ऑनर, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि मानिक सिंह और उसकी फैमिली अभी 5 साल पहले ही बीकानेर में शिफ्ट हुए। इससे पहले वो बाड़मेर के किसी गांव में रहा करते थे, और वहीं के एक आदमी के लड़की के साथ, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मानिक की शादी करवा दी गई। और शादी के बाद वो लड़की गायब हो गई, और इन्होंने लोकल पुलिस से ये कह दिया कि वो घर छोड़कर भाग गई। योर ऑनर, ये पायल की मिसिंग कंप्लेंट है, जो कि उसके पिता धनीराम जी ने दर्ज कराई थी, जो कि इस समय अदालत में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मेरी विटनेस गंगा देवी को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। दाइम, हमारे बच्चे को बचाओ, 3 गुना पैसा दूंगा। तुम लोग सब बाहर निकलो। अरे दाइम, हमारा बच्चा। सब बाहर निकलो, जाओ। अरे छोरी, छोरी थोड़ा जोर लगा, और थोड़ी देर, और थोड़ी, तू चिंता ना कर, मैं आई हूँ ना, सब ठीक होएगा। ये लोग बहुत करते हैं, इन लोगों ने मुझे 1 साल से बंद करके रखा है। मेरे बाप को तो सर मिलने नहीं दिया, मुझे मदद करना था। अब थोड़ी देर पहले ही मालिक जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। दाइमा, दाइमा मुझे बचा लीजिए। दाइमा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। जोर लगा तो क्या, जोर लगा। बच्चा भी मरा हो पैदा हो। Your Honor, this is also a murder case. हो सकता है, पर ये केस नंबर 423 /
2021 का आर्गुमेंट है। She is right. आपको इसी केस के लिए आर्ग्यू करना चाहिए। ओके सर। योना, ये भूमि के चेहरे पर चोट के निशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने पति के साथ हमबिस्तर होने से मना कर दिया। कितने शर्म की बात है। योनर, घर से भागकर दुनिया से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और अक्सर मैरिटल रेप केस के विक्टिम्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। आज अगर भूमि ने कोर्ट के सामने अपनी बात नहीं कही तो इसके जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं जो कि देश के कोने कोने में शहर से लेकर गांव तक हर दिन मैरिटल रेप की शिकार होती हैं। भूमि, मैं चाहूंगा तुम आज इस कोर्ट में अपने दिल की हर वो बात रखो पूरी हिम्मत और पूरी ईमानदारी के साथ। उठो। ये आदमी रोज मेरा रेप करता था। मना करने पे मारपीट करता था और जब मैं पेट से थी तब भी घसीट कर ले जाता था। मैडम, आप पूछ रही थी ना कि पहले मारता था या कपड़े उतारता था। मैं बताती हूँ, पहले मारता था फिर कपड़े उतारता था फिर रेप करता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोज करता था। अब रेप कैसे करता था ये भी मैं बताऊं? योना, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आज का फैसला केवल भूमि के पक्ष में नहीं बल्कि उन हजारों लाखों करोड़ों औरतों के पक्ष में होना चाहिए। That's all, योना। हमारे समाज का ये काला सच है जहाँ औरतों के साथ अलग अलग तरीके से बर्बरता होती है। हमारे देश में मैरिटल रेप के लिए अभी कोई कानून नहीं बना, इसलिए ये अदालत मानिक सिंह, जगत सिंह, चेतन सिंह और गायत्री सिंह को भूमि पर अत्याचार करने के जुर्म में और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए दोषी मानती है और इन्हें 3-3 साल की सजा देती है। इसलिए ये कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देती है कि पायल कुमारी मर्डर केस को रीओपन करे और उसकी चार्जशीट 30 दिनों के अंदर फाइल करे। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। मार को माफी दे दे बेटा, तू जब पहली बार घर आई थी अगर तेरी बात सुन लेती या भी तेरे बाबूजी ने कहा था कि अच्छे से परिवार को जान लो तब भी अगर मैं उनको करने देती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैम, अब बस पायल के केस को रीओपन करके जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक ये लोग जेल में सड़ेंगे। मैम, एक्चुअली मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं भूमि कोर्ट में स्टेटमेंट देगी भी या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। दरअसल ऐसी हिम्मत हर उस औरत ने दिखानी चाहिए जो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है। पति ने थप्पड़ मार दिया, गाली दी या फिर जबरदस्ती की, ये बात हमारे देश में बहुत ही आम है जो हर तीसरे घर में होती है। 99% लोग तो इसे इग्नोर करते हैं। इसे शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। कईयों को तो ये पता भी नहीं है कि इसे क्राइम माना जाता है। इसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाना जरूरी है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ही हम बंद कमरे में होने वाले क्राइम को रोक सकते हैं, सही मायने में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं। फॉरेंसिक वालों को सिर्फ 48% फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जबकि कोर्ट में कम से कम 50% फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। सर, एक बार ये किसी से मैच हो जाए ना तो उसके खिलाफ हम कोर्ट के लिए सबूत ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबसे फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ और ये रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। पापा,
नीति नहीं बची। तुम नीति के भाई आदित्य हो ना? हाँ सर, मुझे जैसे ही पता चला मैं यूएस से पहली फ्लाइट पकड़कर सीधा सीधा यहाँ आ गया। सर प्लीज उसके कातिल को मत छोड़ना। हो गया सर। रिपोर्ट कब तक मिलेगी? सर रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी सर। सर इतने सारे सस्पेक्ट में से एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब वहां कोई और भी था। रश्मि, सोनी बंगलो एरिया का डंप डेटा निकलवाओ। पता करो 4 मई की शाम को वहां कौन कौन था। पर ये सुतार क्यों नहीं आया अभी तक? कहां रह गया? हेलो सुतार, वो आए थे तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? मैं वापस यूएस। क्यों? मेरे एग्जाम से और डी के बिना यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे किसी की सुतार से बात हुई क्या? अभी तक आया नहीं, वो कहाँ रह गया? सर मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, वो अभी आते होंगे सर। सॉरी सर, सॉरी। ये आ गए। सॉरी सर, सॉरी। उस सोड़े साहब के घर के पे गया था ना, डब्बा भूल गया था रिक्शा में। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ कितना काम पड़ा है सुतार। सर बहुत अजीब लग रहा है आज सर। मर्डर किसी एक का हो जाता है और सारे घर को भुगतना पड़ता है। क्या बात है सुतार भाऊ, आज ये फिलोसफी? फिलोसफी नहीं है मैडम, वो नीति का भाई मिला था, मायूस था बेचारा बहुत। अमेरिका जा रहा है वापस। क्या कहा? वापस जा रहा है? हाँ। अरे कल ही तो आया था ना वो। हाँ तो क्या हो गया सर, वो परीक्षा है उसकी, उसके लिए जा रहा है बोल रहा। उसकी बहन का मर्डर हुआ है सुतार, इतना खर्चा करके वो यहाँ आया है। लोग तेरे अभी तक रुकते हैं, वो क्रियाक्रम के पहले निकल रहा है। अजीब सा लग रहा है मुझे। सिद्धार्थ। यस सर। आदित्य की फोटो सर्कुलेट करो और कंट्रोल रूम से कहो कि एयरपोर्ट जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाए। यस सर। और अश्वि तुम सभी एयरलाइंस का पैसेंजर मैनिफेस्टो चेक करो, पता करो कि वो किस एयरलाइन से वापस जा रहा है। जी सर। अरे क्या हुआ, गाड़ी वाड़ी क्यों रोकी? नाकाबंदी है सर। वही सबसे ज्यादा रॉन्ग होते हैं। क्या कहा था तूने? तू 2 दिन पहले आया था हा? तो 3 मई को मुंबई के रॉयल होटल के बाहर क्या कर रहा था तू? 3 मई की होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। ये उड़ी पहने हुए तू ही है ना? ये सोसाइटी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। सो व्हाट? घर जाने से पहले 2 दिन पहले चिल करना चाहता था, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें नहीं, प्रॉब्लम तो तुझे होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी वाली, क्योंकि 4 मई को तेरा सेल लोकेशन बलबीर के घर के आसपास पाया गया है। अब बोल, 4 मई को रात 8 बजे तो बलवीर के घर पे क्या कर रहा था? मोरे जरा अपना डंडा लेके आना, लगता है जब तक इसको पड़ेगी नहीं तब तक ये बोलेगा नहीं। अरे रुकिए, मैं सब बताता हूँ। बोल। सर मैं क्या करता सर, मेरे यूएस वाले फ्रेंड ने दी की एक फोटो स्कॉर्ट सर्विस पर देख ली थी, वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, कह रहे थे कि मेरी दी प्रोस्टिट्यूट है, वो जब मुंबई आएंगे तो मेरी दी के साथ मजाक करेंगे। सर मुझे यकीन नहीं था, तो सर मेरे सामने कस्टमर बंद कर मेरी दी से चीट की सर। सर मैं दी को पूछता था, शी बिट्रेड मी सर, धोखा दिया सर उन्होंने। और इसलिए तू 2 दिन पहले ही आ गया और उन दोनों का पीछा किया? हाँ सर, तभी जाकर तो मुझे पता चला कि उस बुड्ढे बलवीर और दी का कुछ चल रहा है। और तुझे लगा कि वो उसका कस्टमर है, इसलिए तूने बलवीर और नीति को मार दिया? मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैंने मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसे?
डॉक्टर साहब, इस लड़के ने मेरा और सोड़ी साहब का झगड़ा सुन लिया था। इसी ने लाख रुपया दिया था उन दोनों को मारने का। फिर उन दोनों का फोन और मारने का हथौड़ा मैंने तोड़ के गटर में फेंक दिया साहब। पर तू उसी दिन सुबह बस पकड़कर गांव चला गया था ना? हाँ साहब, उसी बस में गया मैं, क्योंकि प्लान ही वही था। यहाँ से बस पकड़ूंगा और भिवंडी उतर के वापस आऊंगा काम खत्म करने, और फिर से रात को चला जाऊंगा अपने गांव। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अरे दी के साथ तो यही होना था, जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। उसकी गलती एक ही थी कि वो चुप रही, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने उससे जबरदस्ती ये काम करवाया। और बलवीर सोनी, वो उसका कस्टमर नहीं थे, उन्होंने उसे लीगली अडॉप्ट किया था ताकि उस गंदगी से बाहर निकाल सके, उसे वो सब कुछ दे सके जो वो डिजर्व करती है, लेकिन तूने उससे वो सब कुछ छीन लिया। क्या हो गया सर? इधर चकाचौंध वाली जिंदगी जीनी है, पैसे की लत लगा लेते हैं, हाई प्रोफाइल में रहने का सबको, ये सब करने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। अरे गरीब आदमी को देखो, क्या वो जीता नहीं है? इंसान अगर उसूल वाला हो तो पैसे निकालने के सही रास्ते निकाल ही लेता है। हमारे देश की लड़कियों को भी समझना होगा, शोषण घर वाला करे या बाहर वाला, आवाज उठाना जरूरी है। फिर वो चाहे कोई भी हो, अपना बाप हो, भाई हो या कोई और, किसी के लिए खुद को दांव पर लगाना सही नहीं है। कि सेजल उसके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी, क्योंकि आदित्य 12 मार्च से ही गायब। आदित्य के ऑफिस से उसके बारे में एक और लीड मिली है सर, शायद ही अपने मामा के घर पहुंच सकता है। धोखा, भागा नहीं था मैं, मैंने रिजाइन किया था। तुम 12 मार्च से गायब? 12 मार्च मतलब उसी दिन जिस दिन सेजल। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अपने लॉयर को तुमने मार दिया, अब किससे बात करेगा? बोल क्यों मारा सेजल को? देखो मुझे डराना मत। मुझे क्या लग रहा है तेरे साथ हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं तुझे, और तेरे ऑफिस की कई लड़कियों की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास। बोला मेरे पास प्रूफ्स हैं तुम्हारी असलियत के। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे सेक्स ऑफेंडर की पैरवी की मैंने। पर थैंक्स सेजल, तुम्हारी वजह से मैंने केस जीत लिया। मैं राधिका के साथ मिलकर काउंटर केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ, कल ही वारंट निकल जाएगा तुम्हारा। मैं डर कर भागा जरूर था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सेजल के साथ कुछ भी नहीं किया है। राइट सर, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। सेजल ने जिस भूल का जिक्र किया था, क्या भूल ये थी कि उसने आदित्य जैसे गलत आदमी की पैरवी की? अगर हाँ तो फिर वो 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक खामोश क्यों थी? और कोई भी भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जिसकी वजह से सेजल जैसी लॉयर सुसाइड कर ले? सर, सेजल ने 5 मार्च को कोर्ट में पेटिशन फाइल की थी, जिसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि 7 साल पहले उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई थी। सर पेटिशन तो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन सेजल को यह शक था कि उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ इसमें था। लेकिन सेजल ने यह पिटीशन 7 साल बाद क्यों फाइल की? आखिर 7 साल बाद उसके हाथ में ऐसा क्या सुराग लगा हो? सेजल की माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सर वो हमें शैलेंद्र के बारे में भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अगर सेजल की पिता की हत्या के पीछे वाकई उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ था और उसके बावजूद वो 7 साल से बाहर है, तो मतलब प्लानिंग लंबी की होगी, और अब सेजल 7 साल बाद उस पर मर्डर चार्जेस लगाकर उसे अंदर करवाने वाली थी। मोटिव स्ट्रांग है। इस शैलेंद्र के बारे में पता करो, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखो। ओके सर। क्यों रोज
रोज पेट पे लात मारती हूँ मैडम, बकबक बनकर। क्या बकबक मैडम, जो मर्डर करके भाग जाते हो उनको तो आप पकड़ नहीं पाते हो और हमारे जैसे को दबोच लेते हो आप। क्या बोल रही है तू, किसका मर्डर? मेरी दोस्त का मर्डर। 6 महीने पहले 12 मार्च को हाईवे रोड पे मेरी दोस्त को मार दिया गया था, उसकी सुनवाई हुई अभी तक। चल ठीक है गाड़ी में बैठ। हाँ बोल। सोनू खबरी बोल रहा हूँ साहब। वो आपके हाईवे वाले केस का क्या हुआ? उन्होंने की बोला ऐसा क्या? अरे साहब वो क्या है ना कि मैंने सुभाष नगर पुलिस को एक चकले का टिप दिया है और वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट बोल रही है कि उसकी फ्रेंड का 2 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ। मर्डर? हाँ साहब। क्या 12 मार्च को एमजी रोड पर एक और मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सेजल भी 2 महीने पहले एमजी रोड पे बेहोशी की हालत में मिली। वो लड़की कौन थी जिसके बारे में खबरें नहीं होता है? सर उसका नाम सिमी है, प्रोस्टिट्यूट है, आज ही अंदर हुई है। इस सिमी से मिलकर चांस लेते, शायद कोई काम की बात पता चले। साहब मेरी दोस्त थी बरखा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि मर्डर हुआ था। साहब किसी ने जानबूझ के उसको गाड़ी से उड़ा दिया था। आपको ये कैसे पता कि किसने जानबूझ के उड़ाया था? हाँ बरखा बोल। मेरे पास ना वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बरखा ने आपको उस गाड़ी का नंबर बताया था? नहीं साहब, लेकिन बरखा ने बताया था कि ग्रे कलर की कोई कार थी। आपकी बरखा से बात कब हुई थी, मेरा मतलब तारीख क्या थी? सब 12 मार्च को रात के 2:30 बजे के आसपास। 12 मार्च की रात को सेजल जहां पर जख्मी हालत में मिली थी उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर एक सिग्नल है वहां पे सीसीटीवी है और रास्ते में कोई भी राइट या लेफ्ट टर्न नहीं है, सीधा रास्ता। उस सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करो, जितनी भी ग्रे कलर की गाड़ियां दिखती हैं सबकी लिस्टिंग करो। सर सर उस रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से ये 7 ग्रे कारें गुजरी थी और ये इन 7 कारों के 7 ओनर्स हैं। इन ओनर्स की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इनमें से ये मनीष, इसका एक होटल है, होटल संतूरी। राघव ने कहा था कस्तूरी, होटल कस्तूरी में गई थी। संतूरी कस्तूरी। सर ये भी तो हो सकता है कि सुनने में फर्क आया। यकीन कीजिए सर, मेरी सेजल से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बेकार में अपने दोस्त के लफड़े में फंस गया। कौन दोस्त? दो महीने से तेरी एक्टिंग देख रहा हूं पर अब तू इस डंडे पे नाच करेगा। नाच बोल। सेजल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर मेरा पहले बिल्कुल भी इरादा नहीं था उसे नुकसान पहुंचाने का, बल्कि वो तो ऑफिस की पार्टी मनाने के बाद में उसे मनीष के होटल में मिलने भी आई थी। प्लीज प्रतीक, वैसे भी आदित्य की वजह से मैं बहुत गिल्ट में हूं, पार्टी करने का एकदम। सेजल ऑफिस में ये सब चलता रहता है, प्लीज। सर सेजल के साथ उसके अपनी मंगेतर ने इतना सब किया फिर भी वो 15 दिन तक चुप रही, जबकि सेजल कोई आम लड़की नहीं थी, एक लॉयर थी, एक ऐसी लॉयर जो लोगों के इंसाफ के लिए ईमानदारी से लड़ती थी। सेजल प्रतीक को बचपन से प्यार करती थी, उसने प्रतीक पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन प्रतीक ने उसके भरोसे को तोड़ा। जब इंसान को किसी अपने सबसे ज्यादा करीबी से धोखा मिलता है तो उस इंसान का पूरी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। सेजल के साथ भी यही हुआ, उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि उसे लग रहा था कि प्रतीक पे भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। वो भूल जरूर थी लेकिन सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी भूल थी उसका अपनी जिंदगी को ख़त्म करना, खुदकुशी करना। हम सब की जिंदगी में दुश्वारियाँ आती, परेशानियाँ आती, लेकिन उन परेशानियों से लड़ते हुए, दुश्वारियों से जूझते हुए, जद्दोजहद करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होता, इसी का नाम जिंदगी है। मौत किसी मसले का हल नहीं है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.